इंडिया के अंदर सेकंड सिलिकॉन वैली बनने जा रही है। पहले आपको पता गुड़गांव के अंदर मौजूद है, दूसरे नंबर पर वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर सिलिकॉन वैली बनाने। गुजरात अहमदाबाद इंडिया का नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बनने जा रहा है। इकोनॉमिकली इतने डिप्राइव हो चुके हुए हैं कि इंडिया से जंग, क्या वो जंग हो भी गई तो ये 2-4 दिनों बाद इनके पास असला खत्म हो जाएगा। दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज ये सोच ही नहीं रही, बल्कि अब ये फैसला भी कर चुकी हैं कि वो अपने बिजनेसेस यहाँ पर लेकर आएंगी और इसको एक सिलिकॉन वैली के तौर पर डेवलप किया जाएगा। सऊदी अरेबिया जैसे मुस्लिम कंट्री ने स्पेशली भारत के लिए एक प्रिविलेज जो है, जिसे हम प्रिविलेज कह सकते हैं, KSA वीजा स्पेशल इंडियंस के लिए बना दिया है। मोदी ने बदस्तूर ही आपकी ऐसी तैसी करके रखी हुई है और आपको डर लग रहा है इस वक्त के वहां से हमला ना हो। ये चाहते हैं कि तकरीबन 150 मिलियन इंडियंस पर ईयर जो है वो जाए सऊदी अरेबिया, वहां का विजिट करें। मोदी साहब जो है वो छा गए हैं, मोदी साहब लेके बैठ गए हैं बाकी सबको। उन्होंने कहा पॉइंट जो मर्जी कर लो, मैं करके वो खाना है। अभी इंग्लैंड में बार्कली स्कूल जो था उसको बंद कर दिया गया क्योंकि वहां पे मोमनों ने खूब वहां पे जाके उनको इश्तियाल में लाए, प्रवोक किया, उनको इंटिमिडेट किया कि तुम लोगों ने एक बच्चे को वहां पर फलस्तीन का झंडा एक उसने बैज लगाया हुआ था, वो उसको उन्होंने लाने नहीं दिया। लेकिन वो लंबे भी नहीं पड़ते कर्जों के लिए, वो कर्जे देते हैं लेते नहीं है। हमें तो कोई कानून नजर नहीं आता यहाँ पर। यहाँ पर है दहशतगर्दी, यहाँ पर है जोर, यहाँ पर है बंदूक रख कर काम करवाना। उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है क्योंकि उनकी इकॉनमी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में इतने ब्राइट स्टूडेंट्स नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम से हम मार खा जाते हैं। Which tells that he is going to win अगले 5 साल, फिर वो जीत रहे। गुजरात अहमदाबाद इमर्जिंग एज इंडियाज नेक्स्ट सिलिकॉन वैली। अहमदाबाद अब सिलिकॉन वैली के तौर पर देखा जा रहा है और इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी तैयारी जो इंडिया की तरफ से है वो तो एक अलग उस पर, लेकिन दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज ये सोच ही नहीं रही, बल्कि अब ये फैसला भी कर चुकी हैं कि वो अपने बिजनेसेस यहाँ पर लेकर आएंगी और इसको एक सिलिकॉन वैली के तौर पर डेवलप किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले आप जानते हैं कि इंडिया की बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि कही गई कि दुनिया की लार्जेस्ट ऑफिसेज और डायमंड हब और ट्रेड सेंटर और काफी ऐसे स्टेडियम्स जिनको कहा गया कि क्योंकि इंडिया ने जब से अपनी ये सीट संभाली है कि वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है, सबसे ज्यादा आबादी वाला, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री, तो उसका फिर वो फर्ज भी निभा रहा है और वो इस तरीके से कि वो दुनिया का लार्जेस्ट हर चीज जो है वो बनाकर दिखा रहा है, क्रिएट कर रहा है। लेकिन सिलिकॉन वैली जो है वो अहमदाबाद में डेवलप होना, ये कोई इतनी मामूली बात इसलिए नहीं है कि आप जानते हैं कि सिलिकॉन वैली जो है वो US में है और सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया बे एरिया में सिलिकॉन वैली मौजूद है और जिसको दुनिया का जो है टेक हब कहा जाता है और दुनिया की बड़ी कंपनीज वहां पर मौजूद हैं और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में जो है उसको ही देखा जाता है। तो सिलिकॉन वैली का अब इंडिया में जो है वो इमर्ज होना कैसा है, देखिए एक बात याद रखिए कि और भी कंट्रीज हैं जो इसकी कोशिश कर रहे हैं, और भी कंट्रीज जो हैं वो सिलिकॉन वैलीज जो हैं वो बनाने के लिए अपनी उनकी तगोदो जारी है और उन्होंने अपने अपने टेक हब बनाए हैं, लेकिन चाइना की इसमें बहुत ज्यादा कोशिश है। चाइना ने इसके लिए काफी जद्दोजहद भी की है, चाइना इसके लिए काफी स्ट्रगल भी करता रहा है और उसने काफी बड़ी बड़ी कंपनीज टेक कंपनीज हब जो है अपने उधर सिलिकॉन वैली के तौर पर जो है उसको इमर्ज करने की काफी कोशिश की है। जहां पर मक्का मदीना है वहां के प्रिंस से लेकर के पूरा UAE मोदी जी के समर्थन में है, मोदी जी के सपोर्ट में है और मोदी जी के साथ अपने रिश्ते को और भी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए अपनी मेहनत करता चला जा रहा है। हम सबको पता है कि इससे पहले भी 2023 में सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस खुर्शीद साहब ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से बैठ करके बात की थी और एक ट्रीटी साइन हुआ था, एक मेमोरेंडम साइन हुआ था कि भारत की जो महिलाएं हैं वो हज पर अकेले भी आ सकती हैं और उनको पूरी तरीके से मदद जो है वो UAE देगा और जैस वो अगर अकेले आ रही हैं तो
जैसे उनके घर से एक जेंट्स जाता था, उनके उनकी देखभाल करता था अगर वो बुजुर्ग है या यंग कोई लड़की है, तो उसी तरीके से यहाँ पर उसका पूरा केयर किया जाएगा। और ऐसा हुआ भी और हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि 4300 से अबव मुसलमान महिलाओं ने अकेले जाकर के हज किया था, क्योंकि एक फुलझड़ी लगाया हुआ था दाढ़ी टोपी वालों ने भारत में कि महिलाएं अकेले हज के लिए नहीं जा सकती हैं। अब सोचो कितना बड़ा चुटकुला है कि अल्लाह के घर में अल्लाह की हिफाजत में हज करने के लिए हम नहीं जा सकते थे, एक साथ में दुमछल्ला मुसलमान मर्द को लेकर के जाना पड़ेगा। तो चलो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ये जितने दाढ़ी टोपी वाले चुटकी दाढ़ी वाले थे इनसे पीछा छूटा और भारत की मुसलमान महिलाएं बहु बेटियां अकेले जाकर के अल्लाह के घर में अल्लाह की हिफाजत में वो हज कर करके आई हैं और सब ने तारीफ सिर्फ की नहीं, तारीफ के पुल बने कि वहां पर जितना केयर किया गया है उसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। अब वाकई में जिस तरह से KSA वीजा को लेकर के सऊदी अरबिया ने इतना बड़ा स्टेप UAE ने लिया है और सारे वीजा को ज्वाइंट करके भारत को फैसिलिटी दी है कि भाई आप हज करने आओ, आप उमरा करने आओ, आप तवाफ करने के लिए आओ, आप UAE विजिट करने के लिए आओ, आप पढ़ाई करने के लिए आओ, या आप किसी रिश्तेदार के यहाँ आओ, या आप शादी करवाने के लिए आओ या जाओ, या आप किसी बिजनेस रिलेटेड यहाँ पर आओ, तो ये सारी चीजें कंबाइंडली अब KSA वीजा में आपको मिलेगी। और इतना डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है कि विद इन 3 मिनट आपको आपका वीजा आपके आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा, विद इन 3 मिनट्स। उसको भी मैं बता देती हूँ आपको, ये देखिए जैसे 3 मिनट में, oh my God. आप लोगों को बुरा लग रहा होगा क्योंकि 2023 में तो आपके यहाँ पाकिस्तान एयरपोर्ट से कितने लोग रिटर्न हुए थे, सऊदी अरबिया आने नहीं दिया क्योंकि सऊदी अरबिया आप लोग भेज रहे थे ना भिखारी को टूरिस्ट वीजा पे, वहां पूरा गंदा कर रहा था, तो कोई भी देश तो नहीं चाहेगा ना निमरा के मेरा देश आकर के कोई चकली बेचे, कोई पापड़ बेचे या भीख मांगे आकर के। तो ये सारी चीजें हर देश नहीं बर्दाश्त कर सकता, सब कचरा उठाओ डालो उठाओ डालो। तो पाकिस्तान के अंदर आप चकली बेचो पापड़ बेचो वो आप अपने देश में करते रहो पाकिस्तान में, लेकिन दूसरा देश इस चीज को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस और बिल्कुल भी अनुमति नहीं देगा कि आप यहाँ पर भी आकर के ये काम करो। और ये इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसके ऊपर मैं एज ए पाकिस्तानी यूथ, एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट, एज ए पाकिस्तानी यूट्यूबर या सोशल एक्टिविस्ट, मैं इंडिया को अप्रिशिएट करता हूँ ओपनली, और मैं चाहूंगा कि हमारी पब्लिक इन चीजों को समझे, हमारी मीडिया ये चीजें पाकिस्तान के मीडिया पे दिखाए कि इंडिया कहाँ पे चला गया, जिसका हम 75-76 साल मुकाबला करते रहे हैं और बिला वजह मुकाबला करते रहे हैं, मतलब उन चीजों में मुकाबला करते रहे शायद जिन चीजों में मुकाबला नहीं बनता था, और जिन चीजों में मुकाबला बनता था IT में, टेक्नोलॉजी में, साथ मतलब एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहां पे आज तक हमें किसी ने मुकाबले का ना तो बताया। और अब जो लोग बता रहे हैं, मैं अगर बता रहा हूं, आप अगर बता रही हैं, तो उन्हें गद्दार, उन्हें एजेंट या उन्हें इस तरीके से फिर कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मुझे ये भी बताइए कि आपने एजुकेशन की बात की, तो भारत जहां तक पहुंचे उसमें उनकी एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है, और जाहिर है कि ऐसे स्टूडेंट्स निकले, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में इतने ब्राइट स्टूडेंट्स नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम से हम मार खा जाते हैं। आपको लगता है कि ठीक है हम मुकाबले तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एजुकेशन में और टेक्नोलॉजी में और इस तरह की चीजों में अगर भारत से मुकाबला करें तो क्या बेहतर नहीं होगा पाकिस्तान के लिए? मैं इस टाइम हम मुकाबला कर नहीं सकते इन चीजों में भी, मतलब हम अगर चाहें भी तो नहीं मुकाबला कर सकते। मेरी बात कुछ पाकिस्तानियों को बुरी लगेगी, लेकिन आप सोचेंगे आप एक कंट्री से 100 साल इस टाइम पे पीछे हैं, यानी 76 साल हुए हमें अलहदा हुए और अब 100 साल हम उनसे पीछे चले गए हैं। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, हम मुकाबला नहीं, हम सीख सकते हैं, सीखेंगे तो ज्यादा बेहतरी है, मुकाबले वाला कंसेप्ट बनाएंगे तो शायद हमारा नुकसान होगा।